हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 7.4, सम नंबर 1 का 3। यस्टरडे हमने एक्सरसाइज 7.4 का सम नंबर 1 क्वेश्चन नंबर ए के कन्वर्ट डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल, तो एक डेसिमल है वो लाइक डेसिमल नहीं है, तो उसको आप लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। तो कल हमने क्वेश्चन 1 का 1 और 2 किया था, आज हम करेंगे सम नंबर 3। ठीक है, सम नंबर 3 है 0.6 और दूसरी है 1 नंबर है 0.6, दूसरा नंबर है 1.6608। ठीक है, तो लाइक वो टर्म बनाने के लिए क्या करने का है, लाइक डेसिमल बनाने के लिए तो जो पॉइंट के आगे बिफोर जो है वो हमें नहीं देखने का है, लेकिन पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो सेम डिजिट यानी कि जो उसके साथ की जो टर्म है वो 3 डिजिट वाली है, तो इसे भी 3 डिजिट वाली बना देने की है। जैसे मैंने यहाँ पे आंसर लिख के दिखाया आपको, 0 point फिर 6 एंड ओनली 6 है और यहाँ के क्या है 608 है, तो हमें इसमें दो जीरो लगा देने का है। ठीक है, तो 0.600 और दूसरी है 1.608, तो ये हो गई लाइक टर्म। दोनों पॉइंट के बाद दोनों के डिजिट 3 हो गए, तो डिजिट देखने के दोनों के 3 डिजिट है, दोनों के जो पॉइंट के बाद डिजिट है वो 3 है तो 3, 2 है तो 2, ऐसे हमें करने का है, तो ये हो जाएगी लाइक डेसिमल। ठीक है, तो 4.48.001। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट के आगे जो है बिफोर है वो हमें नहीं देखने का है, 1 है 2 है वो ऐसे ही रखने का है, लेकिन पॉइंट के बाद का जो है वो हमें क्या करने का है, हाँ 001, तो कितने डिजिट हो गए, 3 हो गए, तो हमें क्या करने का है, दूसरी जो टर्म है उसके भी 3 point फिर 172 ही है, तो 3 डिजिट कर देने के, तो 170 तो हो गई ये भी दोनों लाइक टर्म। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट के आगे बिफोर जो डिजिट है उसको कुछ नहीं करने का है, 1 है 2 है 3 है, लेकिन पॉइंट के बाद का आफ्टर का जो डिजिट है दोनों का वो 2 है तो 2, 1 का 2 और 1 का 3 ऐसा नहीं रहने देने का है, दोनों का 2 डिजिट है तो 2, 3 डिजिट है तो 3, ऐसे करने का, इसको लाइक टर्म बोलते हैं। तो नंबर है 5 15.02, इसमें 3 टर्म है, देखो 15.02 209.674 तो एंड 20.7। ठीक है, तो तीनों को हमें लाइक टर्म बनाने की है, तो जो बीच वाली है वो है 674, 3 डिजिट है, तो बाकी जो दो है उसे भी 3 डिजिट बना देने का है। जैसे कि 15.02 है तो आगे 0 लगा देने का है, तो 1, 2, 3 डिजिट हो गए, और इसके बाद की है वो तो ऐसे ही रखने की क्योंकि 3 डिजिट है, फिर लास्ट है 0.7 तो ओनली 1 डिजिट है, तो इसके 3 डिजिट करने के लिए क्या करने का है, 20.700। तो ये तीनों टर्म हो गई लाइक, अब ये 6 में है 0, इसमें भी 3 टर्म है, 0.9, 8.7 एंड 17.814, जो लास्ट टर्म है वो 3 है, तो बाकी के 2 है उसको भी हमें 3 बना देने का है, 3 डिजिट बना देने का है।
और दोनों में पॉइंट के बाद वन ही डिजिट है, तो हमें क्या करने का है, फर्स्ट में लेने का है 0 पॉइंट, फिर 900, ये हो गई सेम 3 डिजिट हो गए। फिर इसके बाद की है 8.7 है, तो क्या करने का है 8.700, ये हो गए तीनों लाइक टर्म, तो ये हो गया यहाँ पे। फिर हमें क्या करने का है, ट्रू और फॉल्स लिखने का है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसमें फर्स्ट है 2.027 एंड 2.018 आर अनलाइक डेसिमल, तो ये अनलाइक नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद दोनों टर्म में क्या है 3 डिजिट है 027 018, तो सेम डिजिट है 3, तो ये लाइक टर्म है, तो ये क्या है फॉल्स है, ये टर्म है वो अनलाइक नहीं है, क्या है लाइक है, क्योंकि दोनों के 1 2 3 1 2 3 पॉइंट के बाद डिजिट है, तो ये क्या है फॉल्स है। हाँ, फिर इसके बाद का है सेकंड 308.401 एंड 0.004 आर अनलाइक डेसिमल, ये भी अनलाइक नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद के दोनों के कितने डिजिट है 3 डिजिट है, हमें पॉइंट के बाद के डिजिट देखने के हैं, तो पॉइंट के बाद के दोनों के 3 डिजिट है, देखो 3401 है, दूसरे में 004, दोनों में सेम डिजिट हो गए 3, तो ये क्या हो गई अनलाइक नहीं है, पर क्या है लाइक है, तो इसमें क्या लिखा है अनलाइक डेसिमल, तो ये क्या है फॉल्स है, तो हमें क्या लिखने का है फॉल्स, ठीक है। फिर इसके बाद आता है नंबर 3, तो 3 में क्या है 4.9 इज स्मॉलर देन 4.9 है वो 4.90 से स्मॉलर है, ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये 90 से स्मॉलर नहीं है, तो इसीलिए ये फॉल्स है। फिर नंबर 4, 15.52 इज ग्रेटर देन 7.369, ये राइट है, ठीक है। तो ये हमें क्या लिखने का है यहाँ पे कि 15.52 इज ग्रेटर देन 7.367, तो ये क्या है राइट, तो हमें क्या लिखने का है ट्रू। तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर ए बी कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सी, तो क्वेश्चन नंबर सी क्या है, विच इज द लॉन्गर 4.28 सेंटीमीटर और 4.3 सेंटीमीटर, इसमें कौन लॉन्गर है 4.28 सेंटीमीटर के 4.3 सेंटीमीटर, तो कौन लॉन्गर है, आंसर है 4.3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दिए, ए बी एंड सी। अब हम आए क्वेश्चन डी, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर डी, तो इसमें डी में क्या है, वासु हैज 100.55 वाइल रुपीस वाइल शी हैज 100.50 रुपीस, Who has got more money? तो वासु के पास कितने रुपीज़ है, रुपीज़ 100.55, और जो शिव है उसके पास कितने हैं, तो रुपीज़ 100.50, तो किसके पास ज़्यादा मनी है, अथवा तो कितने ज़्यादा मनी मिले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, वासु है क्योंकि 100.55 वो 100.50 से ज़्यादा है, तो वासु है मोर, वासु गोट मोर मनी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर से, और एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन ए बी सी डी। नेक्स्ट टाइम हम
ABCD कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर ई से स्टार्ट करेंगे। तब तक आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक में और होमवर्क की नोटबुक में ये राइट डाउन करने का है, अच्छे हैंड राइटिंग से नीट एंड क्लीन लिखने का है। और आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस सम्स। थैंक यू वेरी मच।